हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब है आंख के पर्दे का हिल जाना या आंख के पर्दे का उखड़ जाना या पर्दे का अपनी जगह से हट जाना। आंखों के फील्ड में एक मेडिकल इमरजेंसी है और रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बार आपकी आंख में रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आंख का पर्दा उखड़ गया, तो आप जितनी जल्दी उसका ऑपरेशन कराएंगे उतनी जल्दी और उतनी अच्छी आंख की रोशनी वापस आएगी। मैंने अपने कई पेशेंट्स में देखा है कि आज पर्दा उखड़ा और अगले दिन ऑपरेशन करा लिया और 100% रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन आप इसको जितना डिले करते जाएंगे, रेटिनल डिटैचमेंट में हर घंटे की अहमियत है, तो जितना ज़्यादा टाइम पर्दा उखड़ने में और सर्जरी के बीच में बढ़ता जाएगा उतनी ही नज़र आने का चांस कम होता जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है रेटिनल डिटैचमेंट को। आज सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है डिटैचमेंट, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या जांचें होती हैं, क्या इसका इलाज है, सर्जरी कैसे करी जाती है और वीडियो के एंड में एक लाइव सर्जरी भी दिखाऊंगा कि रेटिनल अटैचमेंट का ऑपरेशन होता कैसे है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आंख का मॉडल समझना जरूरी है। हमें यह समझना जरूरी है कि आंख काम कैसे करती है और रेटिनल डिटैचमेंट में एक्चुअली होता क्या है। तो थोड़ा सा इस मॉडल पे फोकस करेंगे। आंख में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आंख के आगे का स्ट्रक्चर जिसको काली पुतली कहते हैं, फिर आंख के अंदर आता है एक लेंस, फिर आंख के अंदर आता है एक पर्दा। आंख का जो बीच का हिस्सा है, इस हिस्से में एक जेल भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस जेल। लाइट आंख में यहां से एंटर करती है, पुतली और लेंस से होते हुए पर्दे पे पड़ती है और पर्दे से एक नस निकलती है जो आपके दिमाग से कनेक्ट करती है और आप देख पाते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब है कि ये पर्दा जो अपनी जगह पे ऐसे चिपका हुआ है, अगर ये पर्दा अपनी जगह से हट गया, अपनी जगह से उखड़ गया, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट में आखिरकार होता क्या है, क्यों पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है, अपनी जगह से उखड़ जाता है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये आपकी आंख का ढांचा है, आंख का गोला है। ये स्ट्रक्चर जो है आगे का, ये है काली पुतली जिसको हम कॉर्निया भी कहते हैं। आंख के अंदर एक लेंस है और ये स्ट्रक्चर जो है, ये है आंख का पर्दा। अब अगर किसी वजह से आंख के पर्दे में कोई छोटा सा छेद हो जाए या आंख का पर्दा थोड़ा सा फट जाए, जिसको हम रेटिनल टियर कहते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। अगर आंख में कोई चोट लग जाए या आंख में हाई माइनस का नंबर हो, हाई मायोपिक नंबर हो, ऐसी सिचुएशन में आंख में एक छोटा सा छेद बन सकता है, आंख के पर्दे में एक छोटा सा छेद बन सकता है। अब इस एरिया में जो आंख का हॉलो स्ट्रक्चर है, यहां पे आपका भरा है विट्रस जेल, विट्रस फ्लूइड भरा। तो मान लीजिए आंख के पर्दे में एक छोटा सा छेद हो गया, तो ये जो फ्लूइड है ये इस छेद के अंदर चले जाता है और पर्दे को अपनी जगह से उखाड़ देता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आंख में कोई चोट लग जाए या आंख में हाई माइनस नंबर है, हाई मायोपिक नंबर है, तो एक बारी अपने आंखों के डॉक्टर से अपने पर्दे का चेकअप जरूर कराना चाहिए। क्योंकि अगर आंख में कहीं छेद या कहीं टियर निकल जाता है
तो हम एक स्पेशल लेजर जिसको बराज लेजर कहते हैं, उस लेजर से इस छेद को ठीक करके इसको बंद कर सकते हैं, इसको सिक्योर कर सकते हैं, ताकि ये जो फ्लूइड है इस छेद के अंदर ना जाए और पर्दे को नहीं उखाड़े। तो इस लेजर को हम लोग कहते हैं बराज लेजर। इसके बारे में आप और समझ सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा है। बेसिकली इस लेजर में हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ये छेद है, तो इस छेद के आसपास हम लेजर कर देते हैं और इस छेद को सिक्योर कर देते हैं, जिससे फ्लूइड इसके अंदर नहीं जा सकता और पर्दा नहीं उखड़ता। तो इस तरह की रेटिनल डिटैचमेंट को, इस तरह के पर्दे के उखड़ने को जो आंख के पर्दे में छेद से या टियर से होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेगमेटोजीनस आरडी। छेद की वजह से पर्दा उखड़ गया। एक और तरीके से पर्दा उखड़ सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्शनल आरडी। ट्रैक्शनल आरडी में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम है और काफी समय से बॉडी में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उस डायबिटीज का असर आपके पर्दे में भी आता है और पर्दे में एक बीमारी शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आप और समझ सकते हैं, मैंने पूरा वीडियो बनाया है, ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक को क्लिक के और समझ सकते हैं। तो अगर आंख के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए, तो आंख के पर्दे से खून लीक होता है और वो खून लीक करके इस जेल में आ जाता है। अब अगर ये खून आपके आंख के जेल में आ गया, तो कुछ टाइम में ये खून सिकुड़ता है या खून सूखता है, उसकी वजह से कुछ फाइबरस बैंड्स बन जाते हैं और ये बैंड्स जो हैं ये पर्दे को पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं और खींच के पर्दे को उखाड़ देते हैं। तभी इसको ट्रैक्शनल कहते हैं, क्योंकि ये बैंड्स पर्दे को पकड़ के ट्रैक्शन लगाते हैं। ट्रैक्शन का मतलब है पकड़ के खींचते हैं और खींच के पर्दे को उखाड़ देते हैं। एक और तरह की डिटैचमेंट होती है जिसको हम कहते हैं सीरस रेटिनल डिटैचमेंट। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आंख में कोई इंफ्लेमेशन हो या आंख में कोई कैंसर हो, तो उस कैंसर की वजह से भी फ्लूइड आके पर्दे को उखाड़ सकता है। तो अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कैसे पता करें कि आंख का पर्दा उखड़ गया है। इसमें क्या सिम्टम्स बनते हैं, क्या साइंस बनते हैं, कैसे आपको मालूम पड़े कि आंख का पर्दा उखड़ गया है या फिर उखड़ने वाला है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है कि आंख में जो रोशनी है, आंख की नजर जो है, वो सडनली कम हो गई, एकदम से आंख में कम हो गई। कल तक ठीक थी, आज एकदम से कम हो गई। दूसरा सिम्टम जो बनता है वो होता है कि अगर एकदम से आपकी आंखों में बहुत सारे फ्लोटर्स बनने शुरू हो जाए। फ्लोटर्स मतलब आंखों के सामने मच्छर मक्खी शैडोज या जाले जैसे उड़ते हुए दिखना। अगर एकदम से आपकी आंख के सामने बहुत सारे फ्लोटर्स आने शुरू हो जाएं, तो यह भी एक शक पैदा करता है कि कहीं ना कहीं पर्दा उखड़ गया। तीसरा सिम्टम हो सकता है कि आपको आंख के सामने सडनली फ्लैशेस दिखना शुरू हो जाए, कि आप बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आंख में सडनली आपको फ्लैशेस, जैसे लाइटनिंग, बिजली कड़कती हुई, इस तरह के सिम्टम बनने शुरू हो जाए। और चौथा सिम्टम होता है कि सडनली आंख के सामने कुछ पर्दा सा आ जाए या कोई शैडो सी आ जाए, ऐसा लगे कि कोई कर्टन सा आ गया, आपकी आंख की आधी विजन जो है वो शैडो से ढक गई है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको बनते हैं, तो इमीडिएटली आपको अपने आंखों के डॉक्टर से अपना पर्दा चेकअप कराना चाहिए और वो आपके बेसिकली दो तरह के टेस्ट करेंगे। सबसे पहला टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डायलेटेड एग्जामिनेशन। उसमें आपकी आंख में कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑप्थाल्मोस्कोप कहते हैं, उससे आंख के अंदर झांक के पर्दे को देखेंगे। और दूसरा जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर बी स्कैन, जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव से देखा जाता है कि पर्दा अपनी जगह पे टिका हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि उखड़ गया। तो अब मान लीजिए आंख का पर्दा उखड़ जाता है, तो अब इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कोई दवाई, कोई गोली, कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, कोई आयुर्वेदा, कोई जड़ी बूटी उखड़े हुए पर्दे को वापस अपनी जगह पर नहीं चिपका सकती।
अगर एक बारी पर्दा उखड़ गया तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है और वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके पर्दे को वापस अपनी जगह पे चिपका दो। तो अब अगर पर्दा उखड़ गया तो उसको चिपकाने के दो तरीके हैं। पहला ऑपरेशन है जो हम आंख के बाहर बाहर से कर सकते हैं और दूसरा ऑपरेशन है जिसमें हम आंख के अंदर जाके ऑपरेशन करते हैं। जो पहला ऑपरेशन है जिसमें आंख के बाहर बाहर से ऑपरेशन किया जाता है उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं स्क्लेरल बकलिंग। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये यहां से पर्दा जो है आपका उखड़ गया, अब इस पर्दे को वापस अपनी जगह पर चिपकाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम आंख के ऊपर एक सिलिकॉन बैंड को बांध देते हैं, एक बेल्ट तरह का बैंड होता है उसको हम बांध देते हैं और जो आंख का वाइट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो स्क्लेरा है, इसको उखड़े हुए पर्दे की टुवर्ड्स धक्का देके चिपकाने की कोशिश करते हैं। उस बैंड से हम इसको अंदर की तरफ दबाते हैं ताकि ये उखड़े हुए पर्दे की टुवर्ड्स जाके चिपक जाए। तो क्या होता है, सपोज हमने स्क्लेरल बकलिंग का ऑपरेशन करा तो यहाँ पे हमने स्क्लेरा को ऐसे कर दिया और ये आंख में बैंड आ गया, आंख के ऊपर बांध दिया बैंड, वो बैंड इसको यहां से दबाता है और ये एरिया चिपक जाता है। तो ये तो पहला तरीका है चिपकाने का, आजकल इतना पॉपुलर नहीं है। आजकल अंदर जाके ऑपरेशन करना, जिसको हम कहते हैं PPV, पार्स प्लेना विट्रेक्टमी ऑपरेशन, वो ज्यादा पॉपुलर है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि PPV का ऑपरेशन एक लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन की तरह होता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि कहीं आंख को पूरा तो नहीं खोला जाएगा, तो आंख को पूरा नहीं खोला जाता। PPV का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक की तरह होता है। आंख के अंदर तीन बहुत पतली पतली नीडल्स को डाल के ऑपरेशन किया जाता है और वो नीडल इतनी पतली होती है, 26 गेज 27 गेज इतनी पतली नीडल होती है कि ऑपरेशन के बाद आंख में कोई टांका लगाने की जरूरत भी नहीं होती। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अब ये आपका पर्दा यहां से उखड़ गया, अब इस पर्दे को हमने वापस स्क्लेरा पे चिपकाना है। तो हम क्या करते हैं, आंख के अंदर तीन नीडल्स डलेंगी। पहले आंख के अंदर जो जेल है उस पूरे जेल को हमने हटा लिया और फिर आंख के अंदर या तो गैस डाल दी या तेल डाल दिया, तेल को हम कहते हैं सिलिकॉन ऑयल, और वो गैस या तेल इस उखड़े हुए पर्दे को पीछे की तरफ धक्का देती है और अपनी जगह पर चिपका देती है। इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं PPV। आंख के अंदर ऑपरेशन के बाद आंख को गैस डाल के सपोर्ट करना है पर्दे को या ऑयल डाल के सपोर्ट करना है, इस डिसीजन को आपको अपने आंखों के डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ही ऑपरेशन के टाइम एसेस कर सकता है कि कितना डैमेज है और गैस से बेटर सपोर्ट मिलेगी या ऑयल से ज्यादा सपोर्ट। दोनों गैस और ऑयल के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आंख में एक बारी गैस डाल दी तो वो गैस कुछ हफ्तों में अपने आप अब्सॉर्ब हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आंख में गैस डाल के पर्दे को सपोर्ट किया है तो आपको पूरे दिन अपने पेट के बल लेटे रहना होता है ताकि इस गैस का प्रॉपर प्रेशर उखड़े हुए पर्दे पे पड़ सके। तो 24 घंटे आपको उल्टा सोना पड़ेगा, हर घंटे में 10 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको पेट के बल सोना पड़ता है ताकि ये गैस अपना प्रॉपर प्रेशर डाल पड़े जो पर्दा उखड़ गया था और पर्दे को वापस अपनी जगह पर चिपका सके। अगर हम आंख में ऑयल डालते हैं तो ऑयल में इस तरह का कुछ नहीं होता कि आपको उल्टा लेटना है, लेकिन अगर आंख में एक बार सिलिकॉन ऑयल डाल दिया तो उसको 3 से 6 महीने बाद एक छोटा सा ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो ये एक इशू है कि गैस में एक बार ऑपरेशन हो गया, खत्म हो गया, अगर सिलिकॉन ऑयल डालेंगे तो उसको कुछ महीने बाद वापस निकालना पड़ेगा। दूसरा आपको यह समझना है कि अगर आपका ऑपरेशन सिलिकॉन बैंड से हुआ है तो उसमें ऑपरेशन के बाद आपकी आंख में 2 या 3 नंबर का माइनस नंबर भी आएगा। कभी कभार अगर डॉक्टर्स को लगता है कि पर्दा ज्यादा डैमेज्ड है तो वो हो सकता है दोनों ऑपरेशन PPV वाला और स्क्लेरल बकल दोनों को इकट्ठे करके यूज करें।
तो ये डिसीजन आपको अपने आंखों के डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक और बात आपको समझनी है कि जो पर्दा का डिटैचमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी होती है वो स्लो होती है। इसमें रिकवरी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की तरह या चश्मा हटाने के ऑपरेशन की तरह नहीं है कि आज ऑपरेशन कराया, कल से सबको दिखना शुरू, परसों से अपने काम पे भी चले जाओ। इसमें रिकवरी स्लो होती है, तो आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे करके नजर जो है वो वापस आती है। तो अब आपको दिखाता हूं कि ये जो पर्दा उखड़ने का या रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन होता है ये कैसे किया जाता है। अभी ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं तो अभी सबको दिखाता हूं। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा ब्रीफली मैं आपको समझा पाया रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। अगेन आपको बता रहा हूं कि अगर आंख में हाई माइनस का नंबर है, हाई मायोपिक नंबर है, आंख में चोट लगी है या ओल्ड एज 45-50 साल के ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन में आंख के पर्दे में छेद बनना या आंख के पर्दे में टियर बनना बहुत ही कॉमन है। आपको अपने आंखों के डॉक्टर को साल में एक बार प्रॉपरली अपना पर्दा चेकअप कराना चाहिए ताकि कहीं पे भी कोई होल बने, कोई टियर बने, तो उसको इमीडिएटली बराज लेजर करके ठीक कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, ताकि इस तरह की इमरजेंसी प्रॉब्लम से बचा जा सके। और अगर आंख में पर्दा उखड़ गया है तो उसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो कुछ टाइम में आंख ख़त्म हो जाएगी, आंख छोटी हो जाएगी, आंख गलगली सी हो जाएगी और फिर उसको रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई भी सिम्टम बने, फ्लैशेस, फ्लोटर, नज़र कम हो जाए या पर्दा आ जाए, इमीडिएटली अपने आंखों के डॉक्टर से मिलिए और एक प्रॉपर प्रोफेशनल ओपिनियन को सीख करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।